राकेश एकेडमी के 34वें वार्षिक उत्सव पर स्टूडेंट्स को 24 लैपटॉप, 46 टैबलेट व नगद पुरस्कार बांटे। राकेश एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय व राकेश शिक्षा समिति का 34वां वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ सेवा मेडल से सम्मानित मेजर जनरल दिनेश चड्डा थे। विशिष्ट अतिथि लेफ्टिनेंट कर्नल अनुराग गजवार, चिड़ावा सीओ सुरेश शर्मा, डॉक्टर करण बेनीवाल, डॉक्टर अनिता बुडानिया व संस्था सचिव रेशमा देवी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महावीर सिंह पंघाल ने की। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं व कॉलेज स्टूडेंट्स ने अलग अलग समुदाय की संस्कृति पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की। इस मौके पर आए हुए अतिथियों ने विद्यालय में अच्छे अंक बटोरने वाले स्टूडेंट्स को 24 लैपटॉप, 46 टैबलेट व जिला टॉपर को 51,000 रुपये का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मौके पर अतिथियों ने कॉलेज की टॉपर पायल शर्मा व ज्योति को शेखावाटी यूनिवर्सिटी टॉप करने पर गोल्ड मेडल व 11,000 रुपये नगद देकर सम्मानित किया। अतिथियों ने कॉलेज के एथलीट को भी सम्मानित करते हुए नेशनल स्तर पर गोल्ड प्राप्त करने पर निकिता को 18,500, राज्य स्तर पर गोल्ड प्राप्त करने पर 12,500 व शेखावाटी विश्वविद्यालय की ओर से हुए इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में गोल्ड, सिल्वर व रजत पदक जीतने पर रवि सोनी को 7,000, धर्मवीर कुमार को 5,200, रवीना को 5,100, रितु को 3,900 तथा सिद्धार्थ को 3,700 रुपये नगद देकर सम्मानित किया। 10th और 12th बोर्ड में क्षेत्र की टॉपर सुजल जाखड़ पुत्री सजन जाखड़ पीपली को 2 लैपटॉप देकर सम्मानित किया। इस मौके पर एडवोकेट महिपाल सिंह पंघाल, प्राचार्य मधुलता, कोऑर्डिनेटर रेखा, कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अभिलाषा सिंह, आरसीएल डायरेक्टर राकेश पंघाल सहित अभिभावक, स्टाफ सदस्य व स्टूडेंट्स मौजूद रहे। इसी बीच राकेश एकेडमी शिक्षा समिति के तत्वाधान में बसंत पंचमी के अवसर पर पिलानी में राकेश करियर लाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट का शुभारंभ किया गया। कोचिंग डायरेक्टर राकेश पंघाल ने बताया कि इंस्टीट्यूट में IIT, JEE, BITSAT, NEET, NDA, CDA, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, CA, CS, बैंकिंग व CUET आदि परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बेहतर विकल्प साबित होगा, जहां पर्सनल मेंटरशिप के साथ साथ अनुभवी टीम के द्वारा लिखित तथा फिजिकल की तैयारी करवाई जाएगी। मौके पर हेमंत चौधरी, दीपक सैनी, राजेश भास्कर, शैलेंद्र कुमार, अशोक मलिक, कुलदीप मलिक व SSB स्पेशलिस्ट कर्नल गोविंद शर्मा उपस्थित थे। किसी भी देश का जो विकास है, किसी भी देश की पहचान है, वो उसके नागरिकों से होती है। अगर हम अच्छे नागरिक बन पाए तो इससे बेहतर बात देश के लिए कोई नहीं हो सकती। लेकिन आज यहाँ पर मैं जब आया हूँ और मैंने यहाँ पर राकेश एकेडमी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का दौरा किया तो मुझे लगा कि मैं एक बहुत बड़ी चीज से वंचित रह जाता अगर मैं यहाँ नहीं आता। फौज में जाना का मतलब सिर्फ वो तिरंगे में लिपट के आना नहीं है, फौज का मतलब है देश की सेवा करना। जो लोग जिनके दिमाग में सिर्फ ये है कि फौज सिर्फ वो तिरंगे में लिपट के आना है, वो नहीं है। ये एक करियर है, ये एक देश की सेवा है। जैसे डॉक्टर सेवा करते हैं, इंजीनियर सेवा करते हैं, उसी तरह एक फौजी भी अपनी देश की सेवा करता है। जब महिपाल जी लैपटॉप और क्या कहते हैं टैबलेट बांट रहे थे तो मेरे को ऐसा एक वक्त लगा कि मैंने अपने बच्चों को यहाँ क्यों नहीं पढ़ाया। अभी इन्होंने जो RTL खोला है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि ये भी जैसे राकेश ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन डिग्री कॉलेज, DEd कॉलेज, राकेश जो इंटर कॉलेज हैं, इसी तरह ये भी जो है RTL भी दिन दुगनी और रात दुगनी तरक्की करे और आप लोग इसमें जरूर शामिल हों। अंत में मैं एक बार फिर महावीर जी को, हरिपाल जी को, राकेश जी को और उनकी पूरी फैमिली को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और जो ये RTL अकेडमी खुला है, मैं चाहूंगा कि ये अगली बार मैं जब आऊं
तो मैं एक और उद्घाटन करता हुआ दिखाई दूं, और यही जो है लैपटॉप की जगह पे बहुत ऊंचे ऊंचे गिफ्ट जो इन्होंने ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिए हैं, और आईआईटी जी वगैरह के स्टूडेंट जो निकल के जाते हैं उनको मैं ये बांटने आऊं। मेरी ये दिलो तमन्ना रहेगी और मैं कोशिश करूंगा कि जब ये मेरे को बुलाएंगे मैं जरूर आऊंगा।